क्या आप अक्सर अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि ये जो काम है वो मैं कल पक्का फिनिश कर दूंगी या कर दूंगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिदम एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एट भाटिया न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड द हर्बिटेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोकास्टिनेशन यानी कि आलस। आलस हम सभी में कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाता है, पर अगर ये आलस हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है इतना कि हमारी फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो रही है, तो ये प्रोकास्टिनेशन काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। प्रोकास्टिनेशन किसी भी काम को टाल मटोल करना है। हम कई बारी अपने काम को आगे आगे शिफ्ट कर देते हैं ये जानते हुए कि इसका अंजाम जो है वो बुरा हो सकता है। प्रोकास्टिनेशन कोई भी फैसला, कोई ज़रूरी काम हो सकता है। हम समझते हैं कि प्रोकास्टिनेशन जब हम करते हैं तब हमें हर्ट होता है, हमें बुरा लगता है कि हम वो काम को फिनिश नहीं कर पाए हैं, पर स्टिल हम अपने आप को एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ देखते हैं कि हमसे कोई काम हो ही नहीं पाता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसको हम बीट कैसे कर सकते हैं। सो प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रोकास्टिनेशन हमारे अंदर एक्चुअली में हो क्यों रही है। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या जब मैं चीज़ों को टाल मटोल कर रहा होता हूँ उसके पीछे का मेरी सोच, मेरा थॉट प्रोसेस कैसे काम कर रहा है? क्या अक्सर आप अपने आप को एंशियस महसूस करते हैं, बेचैन महसूस करते हैं, या फिर कोई डर आता है कि शायद मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ, शायद मैं फेल हो जाऊँ, या फिर ऐसा होता है कि उस काम को करने के स्किल्स लैक करते हैं? अगर इनमें से दिए गए कोई भी आपके अंदर रीजंस आप अपने आप के साथ रिलेट कर पा रहे हो सो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अब अपने आप से ये पूछिए कि जब आप प्रोकास्टिनेट करते हैं तो आपके अंदर कैसे की फीलिंग, कैसे की भावनाएं आती हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मैं तो अपना प्रेशियस टाइम लूज कर रहा हूँ, या फिर ऐसे लगता है कि मेरा करियर जो है वो रुइन हो रहा है, या इसके चलते हुए मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ या टारगेट्स को मिस कर रहा हूँ, और वी एंड अप फीलिंग मोर एंशियस, और ज़्यादा गिल्ट आता है और ये विशियस सर्कल जो है वो ऐसे ही चलता जाता है कि गिल्ट आता है, फिर हम आगे की चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, फिर उसके साथ और ज़्यादा गिल्ट आता है और ये सर्कल ऐसे ही कंटिन्यू होता ही जाता है। तो अब इस विशियस सर्कल से बाहर आने के लिए सबसे पहले तरीका ये है कि हम अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आए, एक मोटिविक गोल रखें कि मैं अपने अंदर का ये जो टाल मटोल करने का बिहेवियर है, जो प्रोकास्टिनेशन आती है मेरे अंदर, उसको मुझे क्यों छोड़ना है। शायद अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या फिर अपना सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने के लिए, या मे बी अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मुझे प्रोकास्टिनेशन क्यों छोड़ना है। तो जब आप अपने लिए ये मोटिव सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने टास्क को डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि आपके जो लेड टास्क हैं उसमें से कौन सी चीज़ें अर्जेंट हैं, कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आगे डेलीगेट कर सकते हो, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ताकि वो आपका काम कोई और भी कर सके। फिर उसके बाद यूज़ कीजिए पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो है उसके अंदर ये होता है कि 25 मिनट के लिए यानी 25 मिनट्स के लिए आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके काम पे होना चाहिए, उसमें कोई आनाकानी नहीं, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं। बट आफ्टर 25 मिनट्स आप 5 मिनट का अपनी एक ब्रेक ले लीजिए, सो दैट आपका माइंड और आपकी बॉडी रिलैक्स कर सके, एंड देन अगेन यही सीरीज कंटिन्यू होंगी, 25 मिनट्स वर्किंग एंड 5 मिनट्स पॉजिंग। ये टेक्निक जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो कई गुना बढ़ा देता है। थर्डली, अपने लिए कुछ ऐसे रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए जिसे आप आपकी कैपेसिटी जो है वो पूरा कर सके।
अक्सर हम देखते हैं कि अपने लिए जब हम गोल्स तो सेट करते हैं बट उसके अंदर कुछ अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, जैसे कि अगर एक काम 7 दिनों का है तो मैं अपने लिए अगर 1 या 2 दिन डेडलाइन सेट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और क्योंकि काम 2 दिनों में ख़त्म नहीं हो पाएगा तो गिल्ट भी और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो सेट रियलिस्टिक टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। नंबर 4, एलिमिनेट एनी डिस्ट्रैक्शन। अक्सर हम देखते हैं कि हम काम जो है अपना लैपटॉप या फ़ोन पे कर रहे होते हैं एंड बिकॉज वी आर यूजिंग दीज इक्विपमेंट्स फॉर सोशल मीडिया एज वेल, तो कभी कभी कोई मैसेज पॉप आउट हो जाता है, कोई किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे काम से हमें डिस्ट्रैक्ट कर दे। सो अपने पोमोडोरो टेक्निक्स को करने से पहले ही तैयारी करें, तैयारी ऐसे कि कोई भी ऐसे कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, मैं पहले ही अपनी वो नोटिफिकेशंस को स्विच ऑफ कर दूं, सो दैट मेरा ध्यान उस डायरेक्शन में जाए ही ना। सो एलिमिनेटिंग योर डिस्ट्रैक्शन कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव। एंड लास्टली, रिमेंबर टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। हमेशा अपना काम फिनिश करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड भी बच्चे की तरह है। जब बच्चा एक कोई अच्छा काम करता है, हम उसे चॉकलेट देते हैं, तो उसका वो बिहेवियर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन उस चीज़ को प्लेजर के साथ मिक्सअप कर देता है। सिमिलरली हमारा ब्रेन भी वैसा वर्क करता है। अगर हम कोई इम्पॉर्टेंट टास्क या कोई भी काम फिनिश करते हैं, उसके बाद जब हम अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, हमारे माइंड को एक प्लेजरेबल फीलिंग जाती है कि ये काम करने से हमें अच्छा फील होगा, और ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। बाकी अगर स्टिल आपको ऐसे लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, देन आई विल रिकमेंड टू सीक हेल्प। कोई ना कोई आसपास किसी प्रोफेशनल के पास आप जाइए, अपनी बातों को शेयर कीजिए, शायद आपकी प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन से ज़्यादा डीपर हो सकती है। सो घबराइए मत, बस हेल्प सीख कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।